हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैं आप लोगों को सॉक्रेट्स पढ़ा रहा था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से देखना है आपको। द जज लिसन टू हिम, देखिए उसको कोर्ट में बुला लिया गया था। द जज लिसन टू हिम, जज ने उसे सुना। क्वेश्चन्ड हिम, उससे प्रश्न किए, किससे, सॉक्रेट्स से। एंड कंडेम्ड टू हिम टू डेथ, और मृत्यु का कंडेम्ड कर दिया, मीन्स दंड दे दिया उसको, मृत्यु दंड दे दिया सॉक्रेट्स को, एथेंस की जो गवर्नमेंट थी, एथेंस के जो जज थे उन्होंने। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी कौन है, सॉक्रेट्स की बात करी जा रही है। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े आदमी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी स्टिक पे, अपनी लाठी पर लीन्ड, झुका रहा। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और उस कोर्ट रूम में जो क्राउडेड थी, यानी भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत भीड़ थी उसमें, उसको वो चारों तरफ उसको देखता रहा। प्लेटो, प्लेटो कौन, जो उसका शिष्य था। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और जो दूसरे शिष्य थे, पीपल्स में शिष्य, वर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, ऑल द टाइम, वो सभी जो है पूरे समय कोर्ट में ही रहे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि सॉक्रेट्स को मृत्यु दंड दे दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाए। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, उसने जो है उनसे कहा, सॉक्रेट ने जो है प्यूपिल्स से, अपने शिष्यों थे प्लेटो से कहा, क्या कहा, कि नो इविल, कोई भी बुराई, कैन हैपन, मतलब कुछ नहीं कर सकती टू अ गुड मैन, एक अच्छे आदमी के साथ, कोई भी बुराई एक अच्छे आदमी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। फिर उसने कहा कि आदर इन द लाइफ और आफ्टर डेथ, ना ही जिंदगी में कुछ कर सकती है बुराई आफ्टर डेथ, और ना ही जो है मृत्यु के बाद कुछ कर पाएगी। सो इसलिए बी अ गुड चीयर, इसलिए बधाई हो, या चीयर में बधाई देना भी होता है, या चीयर में प्रसन्नता भी होती है, खुशी मनाना भी होता है, इसलिए क्या हो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, डिपार्चर मीन्स होता है छूटना या जाना, जाने के समय कहते हैं। तो ये जो जाने के समय का जो टाइम था, और था, समय था, हैज़ अराइव्ड, वो हो चुका था एंड या पहुंच चुका था। एंड वी गो आवर वे, और हमें, हम जो है उस रास्ते, मतलब उसे जो है, हम सबको उस रास्ते जाना था। मतलब ये सारी बातें कौन बोल रहा है, सॉक्रेट बोल रहा है कि जाने का समय हो गया, हम सबको उसी रास्ते पे जाना है। आई टू डाई, मुझे क्या होना है, मरना है, डाई मीन्स होता है मरना। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लाइव, और तुम्हें जीना है, लाइव मीन्स जीना है। देन सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब जो है सोल्जर्स यानी सिपाही आए, एंड टुक हिम अवे, और उसको ले गए कहाँ, प्रिजन, जेल ले गए, प्रिजन मीन्स होता है जेल। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, फॉलोड विद हिज थ्री चिल्ड्रन, उसके पीछे पीछे अपने तीनों बच्चों के साथ भी गई। वाइफ और उसके बच्चों को दंड नहीं मिला था, लेकिन जब जेल ले जा रहे हैं तो पीछे पीछे वो भी चल रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, और भी जो उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट पीपल्स थे, जो बहुत ज़्यादा फेवरेट उसके शिष्य थे, वर आल्सो विद हिम, वो भी उसके साथ गए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, दे टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बात करी, सब लोगों ने, वाइफ ने, बच्चों ने, शिष्यों ने, सब ने बात करी। एंड ही टॉट, और उसने सिखाया देम, उन्हें क्या सिखाया, मैनी वाइज लेसन, बहुत ही ज्ञानवर्धक या बुद्धिमानी वाले पाठ। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जिसको जो है उन्होंने अपने हृदय में संजो के रख लिया, संचित कर लिया। ट्रेजर्ड मीन्स खजाना होता है, लेकिन यहाँ पे आप वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है ना, तो उसको उन्होंने संजो के रख लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू, लेकिन जो है सभी दोस्त या उसके मित्र जो है वो न्यू, जानते थे, दैट की सॉक्रेट्स वुड डाई सून, कि सॉक्रेट जो है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दे वर सैड, वे बहुत उदास थे। फॉर एज प्लेटो रोट, आगे चल के प्लेटो जो है वो लिखते लिखते हैं, मतलब
आगे जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद प्लेटो ने लिखा था, एक लाइन लिखी थी, क्या लिखा था, ही वॉज लाइक अ फादर, वो जो है एक पिता जैसे थे, ऑफ होम उनके, वी वर बींग ब्रीवर, देखिए ब्रीवर मिस होता है वंचित कर देना, और वो उन्होंने क्या कर दिया था, हम क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे, मतलब वो एक पिता जैसे थे और हम क्या हो गए थे, हमें वंचित किया जा रहा था, एंड वी वर अबाउट टू पास, और हम जो है गुजरने वाले थे, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन, मतलब हम गुजारने वाले थे, क्या गुजारने वाले थे, अपनी ज़िंदगी को एक अनाथ, अपनी बाकी बची जिंदगी को एक ऑर्फन, एक अनाथ के जैसे, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, प्लेटो आगे चल के लिखते हैं कि वो जो है पिता के जैसे थे और हमें क्या किया जा रहा था, इस बात से वंचित किया जा रहा था, पिता को हमसे छीना जा रहा था, और हम अब क्या होने वाले थे, अब हम बाकी जो अपनी ज़िंदगी के बचे हुए क्षण थे उनको हम अनाथ के जैसे बिताते। आफ्टर द मतलब बहुत लोग मानते थे लेकिन कुछ होते हैं ना उनके वजह से उन्हें डेथ का वो मिल गया। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री स्टॉप, जो सूरज था वो पेड़ की ऊंचाई पर छिप रहा था, छिपने के बाद मतलब शाम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पीछे सूरज छिप रहा है। द जेलर केम, जेलर आया, जेलर वहाँ जेल में होता है, उसका पूरा देखभाल करता है जेल की। द जेलर केम, जेलर आया, इन कहाँ आया, केम इन अंदर आया, एंड आज सॉक्रेट्स, और सॉक्रेट्स से कहा टू प्रिपेयर, क्या कहा, तैयार होने को कहा, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। तो देखिए मृत्यु होती है कि नहीं होती है, को हम आगे के पैरा में जानेंगे। ओके, गुड डे।